apart from that, if you want the breads, cake, sandwiches. कुछ ऐसा होता है कि राम और लक्ष्मण झूले से लक्ष्मण झूला है. तो गाइज ये हमारे होटल से प्राइवेट एक्सेस घाट तक का. तो इस छोटे से डोर से अपना यहाँ पे घाट पे चले जाओ और सामने रेस्टोरेंट. तो अब हम जा रहे हैं. हमारी थाई थी का टाइम हो गया गाइज, तो हम थाई थी लेने जा रहे हैं. और दीदी कैसे हो? बात क्या है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारी कब बेइज्जती हो जाए इन बहनों के साथ, क्योंकि इनका काम ही यही है. यहाँ पे कुछ ये क्या गाने टाइप चल रहे हैं, लोग खुद ही गा रहे हैं. गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है एकदम कॉर्नर पे. ये बाहर बैठ के पी सकते हैं यार यहाँ पे. देखो गाइस नाइस. चलो अंदर चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या है हमारी हाइकिंग. तो जा रहे हैं गाइस, ये है हमारा हीट आईटी का मेन्यू. ब्रेड्स, केक, सैंडविचेस एंड इट्स मैक्रोनी एंड कॉर्न्स. ये हो गाइस ये हमारा हाइटी का मेन्यू है. गाइस हम पूरा लुफ्त उठाते हुए अपनी हाइटी का, मैम हमें सर्व कर रही है. ठीक है गाइस बाकी देखो आप. तो गाइस अब मैं हाई टी वगैरह ले रही थी और अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करने जाते हैं. लाइक आरती वारती देख लेंगे कि कितने बजे होगी, उसको चलते हैं. सामने हो गया आरती बिल्कुल. तो अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि हम कैसे जाएं, क्योंकि यार अगर जो अभी टैक्सी लाए हैं वहाँ से अराउंड पौन घंटे से एक घंटा लगेगा. तो ना और जाम का भी डर है. तो देखते हैं फिगर आउट करें कहीं जाएँ, जहाँ तक खुद से जाएँगे नहीं तो मतलब खुद से पैदल चले जाएँगे. पैदल का तो सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, तो सोच रहे कि पैदल चले जाएँ क्योंकि टैक्सी से काफ़ी टाइम लगेगा जो कि हम अफोर्ड नहीं करना चाहते. ठीक है तो अभी चलते हैं देखते हैं. और फिर मना अगर ऐसा लगा कि भाई नहीं कवर कर पा रहे तो बीच में फिर भैया को बुला लेंगे, भैया आप हमें लेना आ जाओ सिंपल. ठीक है इसको चलो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे. ठीक है देखो गाइस सामने चल रही आरती, आवाज़ आ रही है हमें. तो अब हम उसी तरफ जा रहे हैं. बहुत अच्छी वाइब्स है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है. मैं आरती मैंने अटेंड करी नहीं, बट मैं तब छोटी थी काफ़ी, तो मुझे कुछ कुछ याद है कि हाँ आरती का, पर लेकिन ऐसे कुछ अच्छे से याद नहीं है. तो तब मैं लाइक यार मुझे याद भी नहीं आ रहा इस क्लास में थी, इतनी छोटी थी. तो ऐसा नहीं कि आरती अटेंड की भी है, बट लेकिन अब जो मेमोरीज बनाएंगी वो तो याद रहेगी. तो देखो गाइस हनुमान चालीसा चल रही है. तो ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पे. अभी हम राम झूला लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे हैं, उधर से ही पड़ेगा वो. हमें जाना है परमात्मा आश्रम जाना है, मतलब उसके अंदर वो काफ़ी सुंदर है अंदर से, तो सिर्फ उसको देखने जाना है. तो अभी जा रहे हैं और ये छोटी सी मार्केट पड़ती है यहाँ पे, बहुत ही छोटी थी, अराउंड 10-12 शॉप्स होंगी लास्ट में. तो ये सीधा भी जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं. ये काफ़ी बड़ी मार्केट ना जो रास्ते में जाते हुए भी आ रही है. आने वाला है झूला, हम पहुँच गए ऑलमोस्ट, फिर हमें उससे क्रॉस ओवर उस तरफ जाना. ओह देखो गाइस काफ़ी सारा सामान है भैया कि हाँ आइडल्स वगैरह हैं. ये वुडन का सामान भी यहाँ पे ना.
ये खादी वाला तो हर जगह मिल जाता है। ये आ गया अब राम झूला पे, बस अब थोड़ा सा बचा है, क्रॉस कर ही लेंगे। हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, मुझे याद आ रहा है। कुछ ऐसा होता है कि राम और लक्ष्मण झूले में से लक्ष्मण झूला है तो ज़्यादा तेज हिलता है ना ताई जी, लक्ष्मण झूला है तो तेज हिलता है। हाँ हाँ, वो तेज हिलता है कंपेरेटिवली इसके, जो मुझे याद आ रहा है, जो मैं लास्ट टाइम जब भी चीज़ याद आ रही। काफ़ी भीड़ है झूले में ना, क्रॉस कर ली थी हमने झूला और हम इस तरफ आ गए, अब जा रहे हैं आगे इस तरफ परमार्थ आश्रम की तरफ जा रहे हैं। दिखा दे आपको अंदर का, दिखाइए कैसा।